इंदिरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हम विजय त्रिपाठी आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो पाठ्यक्रम है, आज का जो स्वरूप है, वो उच्च न्यायालय समीक्षा अधिकारी के पद हेतु तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के पद हेतु सामान्य हिंदी का वर्णन हम करने चल रहे हैं। उसके अंतर्गत आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है और उस परीक्षा के अंतर्गत आने वाले संभावित प्रश्नों की सूची के साथ साथ एक विस्तृत वर्णन भी हम प्रस्तुत करने चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले वर्णमाला लगा है, वर्णमाला के बाद शब्द विचार लगा है और शब्द विचार के साथ साथ वाक्य संरचना का बोध है और वाक्य संरचना के साथ साथ आप देखेंगे कि वाक्य विश्लेषण भी दिखाई पड़ेगा आपको एवं कुछ शब्द की प्रकृतियों पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शब्द के प्रकृति के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के साथ साथ देशज विदेशज शब्दों पर भी हमें अपना ध्यान देना होगा एवं जैसे कि तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची के साथ साथ कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, उन सब का एक वास्तविक परिचय के साथ साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और उसकी जानकारी आपको जरूर से जरूर एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम वर्णमाला की बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि वर्णमाला की बात जैसे ही शुरू होती है तो हमें सबसे पहले यह ध्यान देना होगा कि आखिर में वर्णमाला है क्या। तो वर्णमाला की बात आने के पहले हमें इसे दो भागों में क्या करना पड़ेगा, तोड़ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्ण क्या है और माला क्या है, जैसा कि हम लोगों को भी पता है और दोस्तों आपको भी पता है कि वर्ण का मतलब होता है कि आपके हिंदी भाषा की छोटी इकाई से जिसका ज्ञान दिलाया जाता है उसे वर्ण कहते हैं और जब उन्हीं वर्णों का एक वास्तविक समूह एकत्रित कर देते हैं तो उन समूहों का नाम ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला। अब क्वेश्चन दूसरा उठता है कि आखिर में हिंदी भाषा के वर्णमाला में या हिंदी वर्णमाला में या इसी का एक परिवर्धित क्वेश्चन बनता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी के वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 52। पहला क्वेश्चन ही यहीं से उठ जाता है कि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो है 52। अब कभी कभी हम दोस्तों देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा घुमा के पूछता है और हम लोग क्या करते हैं, उसका गलत उत्तर दे देते हैं जिससे हम लोगों का एक अंक या दो अंक या जितना निर्धारित अंक होता है उसकी कमी आ जाती है। अब आगे देखते हैं इन 52 वर्णों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि जब वर्ण की संरचना पर हम प्रकाश डालते हैं तो ये जो वर्ण है ये वर्ण को दो भागों में बांट दिया जाता है, सबसे पहला स्वर के रूप में और दूसरा किसके रूप में, व्यंजन के रूप में। अब जब हम और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में ये स्वर क्या है और ये व्यंजन क्या है। जब हम स्वर की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि स्वर भाषा की एक स्वतंत्र प्रकृति का नाम है और जब व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन भाषा की एक परतंत्र प्रकृति की बात होती है। क्यों? क्योंकि जो स्वर होता है उसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है और जो व्यंजन होता है व्यंजन का उच्चारण मूल रूप से अगर देखा जाए तो वो स्वर के अधीन रख करके किया जाता है। यही कारण है कि अगर हम लोग देखें तो स्वरों की संख्या मुख्य रूप से तो 11 होती है
लेकिन अगर स्वरों की पूरी संख्या की बात की जाए तो हमारे पास आंसर कितना मिलता है? 13। और जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो वही चीज हमें व्यंजन में कि व्यंजनों की मूल संख्या का जो स्वरूप होता है वो तो हमें 33 दिखाई देता है, लेकिन अगर ऑल व्यंजन की बात करेंगे अर्थात पूर्ण या संपूर्ण व्यंजन की बात करेंगे तो उसका उत्तर हमें 39 के रूप में दिखाई पड़ेगा। क्यों? अब अगर हम देखेंगे तो 39 और 13 को अगर मिला देते हैं तो आपका उत्तर कहां पहुंच जाता है? 52। लेकिन इसी के अंतर्गत अब हमें सबसे पहले यह ध्यान देना है कि आखिर में इस स्वर के 13 संख्याओं के अंतर्गत आने वाला जो क्वेश्चन का तरीका है, आने वाला प्रश्नोत्तरों का जो तरीका है वो किस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि आखिर में स्वर की अगर केवल संख्या पूछी जाए, स्वर की संख्या, तब आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? आपको ध्यान देना होगा 11। लेकिन अगर यही कह दिया जाए, स्वरों की कुल संख्या अगर कह दिया जाए, तब आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 13। अब आपको ध्यान देना होगा कि ये स्वर होते कहां से कहां तक हैं? तो ये जो स्वर हैं, वो होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये आपके स्वरों की श्रेणियां हैं जो कि क्रमागत रूप से हैं। लेकिन जैसे ही हम स्वरों के 11 वाले संख्या की बात करेंगे तो हमारा जो ये स्वरूप है अ, आ, ई, यहीं तक आएगा। इन दोनों स्वरूपों को अलग कर दिया जाता है। उसके अंतर्गत अगर हम और बात करेंगे तो हमारे स्वरूप में आप देखेंगे कि इसी अंग अह को अयोग वाह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अयोग वाह के नाम से जाना जाता है। और जब हम अयोग वाह की बात करेंगे तो अयोग वाह के अंतर्गत अंग और अह दोनों आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अयोग वाह को कितने भागों में बांट दिया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि अयोग वाह को दो भागों में बांट दिया जाता है, और वो दोनों भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अनुस्वार, जिसे अंग कहते हैं, इसे अनुस्वार के रूप में जाना जाता है, और इसे विसर्ग के रूप में जाना जाता है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हिंदी में या हिंदी वर्णमाला में विसर्ग का नाम किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना होगा अह को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अनुस्वार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अंग को कहा जाता है। इस प्रकार से आपके स्वर के अंतर्गत आने वाले जो स्वरूप है वो यही है। इसके आगे जब हम चलेंगे तो हमारा दूसरा टॉपिक आएगा व्यंजन। जब हम व्यंजन पर ध्यान देते हैं तो आपको इस बात से भी परिचित होना पड़ेगा कि व्यंजन मुख्य रूप से है क्या, क्योंकि व्यंजन का तात्पर्य हमेशा एक अधीन ध्वनि के अंतर्गत माना जाता है। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि आखिर में वो अधीन ध्वनियां होती कौन कौन सी है, उसका वर्णन हम आपको यहाँ पर पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि व्यंजन की बात करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि व्यंजनों की संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप वहां पर घबरा जाते हैं। तो आपको हम केवल इतना ध्यान दिलाएंगे कि जो व्यंजन होता है वो स्वर के अधीन बोले जाने वाली ध्वनियां होती हैं और उसे तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। सबसे पहला अगर ध्यान देंगे तो स्पर्श व्यंजन आता है, स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन आता है, और अंतस्थ व्यंजन के बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि ऊष्म व्यंजन आता है। अब ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की स्थितियां होती क्या है वो आपको जानकारी लेनी होगी। अब जब भी हम ध्यान देंगे स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं
तो स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होता है। अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा ये य, र, ल और व होता है। जब हम ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे दोस्तों तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत श, श, त और ह नामक ध्वनियां आती हैं। इसी कड़ी में अगर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो एक अन्य व्यंजन के रूप में संयुक्त व्यंजन का नाम आता है और संयुक्त व्यंजन की जो स्थिति है वो केवल और केवल दोस्तों छ, र, य और स्र के रूप में जाना जाता है। अब उसके आगे और बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आता है द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है। जब हम द्विगुण व्यंजन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको दोस्तों पता होना चाहिए ल और ढ का नाम आता है। अब अगर हम देखेंगे तो 25 व्यंजन यहाँ 4 29, 4 33, 4 37, 2 39 व्यंजनों की सूची मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। दोस्तों इसी से आपको अनुमान लगाना है कि जो क्वेश्चन का तरीका है वो किस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन का नाम मूल व्यंजनों की श्रेणी में आता है और जो ये व्यंजन है ये आपस में मिले जुले व्यंजनों से बने व्यंजन दिखाई पड़ेंगे। यही कारण है कि इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि अब हम अगर स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसको 5 भागों में बांट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्पर्श व्यंजन का मतलब है कि जो व्यंजन ध्वनियां हमारे स्पर्श से निकलती हुई, आंतरिक स्पर्श से निकलती हुई आगे की ओर प्रवाहित होती हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन का तात्पर्य होता है कि वो व्यंजन जो हमारे आंतरिक भागों से निकलने का प्रयास तो करती है लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का आभास होना स्टार्ट हो जाता है कि वो ध्वनियां फिर अंदर की ओर जा रही हैं, जिसके कारण हम इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है कि जब हमारे पेट से ध्वनियां ऊपर की ओर निकलना स्टार्ट करती है तो वही ध्वनियां आप देखेंगे कि हमारे मन से अर्थात हमारे आंतरिक स्थितियों से एक ऊष्मा का प्रवाह करते हैं। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? ऊष्म। दोस्तों फिर से रिवाइज कर लीजिए, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए श श श ह का वर्णन क्या है तो उसे हमें कहना है ऊष्म। अगर क्वेश्चन पूछा जाए य र ल व किसे कहते हैं तो आपको वर्णन देना है य र ल व का नाम अंतस्थ। लेकिन जब ध्यान रखना अगर ये केवल पूछ लिया जाए कि य का तात्पर्य क्या है तो ये है तालव्य, तालव्य। ये अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है ये है मूर्धा, ये पूछा जाए तो ये है दंत और ये पूछा जाए तो ये है दंतोष्ठ। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इन सब का सामूहिक नाम पूछा जाएगा तब तो नाम अंतस्थ का लिया जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग पूछा जाएगा तब इनका उच्चारण तालव्य, इनका मूर्धा, इनका दंत और इनका दंतोष्ठ के रूप में जाना जाएगा। फिर उसी प्रकार से उसी कड़ी में अगर हम देखते हैं तो ये चीज इनके साथ भी लागू होता है कि अगर हम स का अलग उच्चारण स्थान पूछेंगे तो वो हो जाएगा तालव्य, ये हो जाएगा मूर्धा, ये हो जाएगा दंत और ये हो जाएगा कंठ। फिर दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी से संबंधित इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे 5 भागों में बांट दिया जाता है, कंठ, तालु और मूर्धा, फिर उसके बाद दंत, फिर उसके बाद ओष्ठ। आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों स्पर्श व्यंजन को भी 5 भागों में बांट दिया जाता है। आगे की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा क से लेकर अंगा तक, कंठ, च से लेकर यहाँ तक, तालु,
फिर उसके बाद त से लेकर आड़ा तक मूर्धा, त से लेकर न तक दंत और प से लेकर म तक ओष्ठ के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम ध्यान देते हैं तो यही सूची वर्णमाला के अंतर्गत पूछी जाएगी। अब दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आखिर में ये जो संयुक्त व्यंजन है इन्हें संयुक्त कहा क्यों जाता है, क्योंकि जब दो आपस में समीपवर्ती या दूर दूर के स्वरूपों को आपस में एक साथ जोड़ा जाता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, संयुक्त। और जब व्यंजन की बात आती है तो अर्थात दो कई व्यंजनों को एक साथ या दो व्यंजनों को एक साथ जब जोड़ा जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, संयुक्त व्यंजन। जैसे जब हम इसको जोड़ने की बात करते हैं तो ये क और श से बनता है, जब हम इसको जोड़ने की बात करते हैं तो ये त और र से बनता है, जब हम इसको जोड़ने की बात करते हैं तो ज और इया से बनता है, जब हम इसको जोड़ने की बात करते हैं तो ये त और र से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से दोस्तों वर्णमाला के जो आवश्यक स्वरूप होते हैं वो इस प्रकार से मैंने आपको प्रस्तुत किया है। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार की दोस्तों आपको कोई समस्या होगी तो आप हमें या चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सेंड करिएगा, हम उसका उत्तर जरूर से जरूर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।